मॉनसून बर्ड फोटोग्राफी के और एक एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज कलकत्ता से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर बर्धवान डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पे आया हूँ मैं बर्ड फोटोग्राफी करने के लिए। जो टारगेट स्पीसीज है इस टूर का वो है रेड मुनिया, स्केली ब्रेस्टेड मुनिया एंड वाइट ड्रम मुनिया। तो नेक्स्ट दो दिन तक मैं यहाँ पे रहूँगा एंड कोशिश करूँगा सारे टारगेट स्पीसीज को कैप्चर कर पाऊँ। इस वीडियो में मैं मुनिया जैसे स्मॉल एंड एक्टिव बर्ड को फोटोग्राफ करने के लिए कैमरा सेटिंग्स क्या होना चाहिए मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, मुनिया बर्ड्स को फोटोग्राफ करने का बेस्ट टाइम होता है सितंबर एंड अक्टूबर मंथ। अर्ली मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम टू फोटोग्राफ एनी बर्ड्स बिकॉज मॉर्निंग में बर्ड्स का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी मॉर्निंग के 6 बजे है और इसलिए मैं निकल पड़ा हूँ। मुनिया बर्ड आमतौर पर एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये बर्ड्स का नेचुरल हैबिटेट है ग्रासलैंड, वेटलैंड्स, फार्मलैंड्स एंड अर्बन एरियाज। स्केली ब्रेस्टेड मुनिया एक स्पैरो साइज बर्ड है जो कि ट्रॉपिकल प्लेन एंड ग्रासलैंड रीजन में पाया जाता है। इसका नाम ब्रेस्ट एंड बेली पे अलग अलग स्केल जैसे फेदर के निशान पर आधारित है। स्केली ब्रेस्टेड मुनिया का 11 सब स्पीसीज है अक्रॉस इट्स रेंज जो कि साइज एंड कलर में थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हाइट ड्रम्ड मुनिया एक स्मॉल पैसेराइन बर्ड है। ये बर्ड का साइज 10-11 सेंटीमीटर होता है। मेल एंड फीमेल को अलग से आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है इन देयर ऑल सब स्पीसीज, बट मेल बर्ड्स का हेड एंड बिल बल्की होता है। सुबह से अच्छा फोटोग्राफी हुआ है। मॉर्निंग अराउंड 6:30 से मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट किया था। तो स्केली ब्रेस्टेड मुनिया, वाइट ड्रम मुनिया और बायोवेवर, ये तीनों बर्ड का अच्छा फोटो हुआ है, मेल फीमेल बोथ। अभी जा रहे हैं रेड मुनिया के तरफ, देखते हैं रेड मुनिया कैसा होता है। रेड मुनिया एक स्पैरो साइज बर्ड है। ये बर्ड स्ट्रॉबेरी फिंच के नाम से भी जाना जाता है। ये बर्ड्स ओपन फील्ड एंड ग्रासलैंड में पाया जाता है। मेल एंड फीमेल बर्ड को बहुत ही आसान तरीके से
आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मेल बर्ड का मोस्ट ऑफ द अपर पार्ट्स रेड होता है एक्सेप्ट ब्लैक आई स्ट्रिप लोअर बेली एंड विंग्स। रेड बॉडी के ऊपर व्हाइट स्पॉट होता है इंक्लूडिंग विंग फेदर्स। फीमेल बर्ड डल होता है और ऊपर से उसके फेदर में व्हाइट स्पॉट कम रहता है कंपेयर टू मेल बर्ड। तो फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन यह है कि मोनिया जैसे स्मॉल फास्ट एंड एक्टिव बर्ड्स को फोटोग्राफ करने के लिए कैमरा सेटिंग्स क्या होना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों के साथ मेरा कैमरा सेटिंग्स शेयर करूंगा टू फोटोग्राफ स्मॉल बर्ड्स। फर्स्ट इज एपर्चर। फ्रेंड्स, इमेज की डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करने के लिए ऑलवेज यूज लोएस्ट एपर्चर नंबर यानी लोएस्ट एफ नंबर। मैं नाइकॉन का 200 टू 500 mm लेंस यूज़ करता हूँ जिसका लोएस्ट एफ नंबर है f5.6। तो मैं ऑलवेज एपर्चर f5.6 पे रखता हूँ। इससे कैमरा के सेंसर में ज़्यादा लाइट भी आता है एंड इमेज का बैकग्राउंड भी ब्लर होता है जो कि सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से आइसोलेट करता है। फ्रेंड्स, मोनिया जैसे स्मॉल बर्ड्स बहुत फास्ट एंड एक्टिव होता है, इसलिए फास्ट शटर स्पीड की ज़रूरत पड़ता है टू फ्रीज देयर एक्शन। मैं ज़्यादातर 1/1000 ऑफ ए सेकेंड का शटर स्पीड यूज़ करता हूँ टू फ्रीज द एक्शन। थर्ड इज ISO। ISO ज़्यादा रखने से आप कैमरे का शटर स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो बट इमेज में डिजिटल नॉइज आ जाता है जिसको आप बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग में रिमूव कर सकते हो बट इमेज का क्वालिटी इससे खराब होता है। इसलिए आपको शटर स्पीड बढ़ाने के टाइम ISO के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। मैं जनरली मैक्सिमम ISO 3000 तक इंक्रीज करता हूँ, डिपेंड्स अपॉन द लाइट कंडीशन। फोर्थ इज फोकस मोड। स्मॉल बर्ड फोटोग्राफी करने के टाइम ऑलवेज कॉन्टिन्यूस ऑटो फोकस यूज करें सो दैट कैमरा कैन ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स। मैं नाइकॉन का कैमरा यूज करता हूँ इसलिए आई ऑलवेज यूज AFC मोड। अगर आप कैनन का कैमरा यूज करते हो तो यूज AI सर्वो मोड। फिफ्थ इज बर्स्ट मोड। कैमरा को हमेशा बर्स्ट मोड में यानी हाई स्पीड कंटिन्यूस शूटिंग मोड में रखना चाहिए ड्यूरिंग स्मॉल बर्ड फोटोग्राफी सो दैट आप मल्टीपल शॉट्स कैप्चर कर पाए इन ए सिंगल शटर प्रेस। मैं नाइकॉन का T850 कैमरा यूज करता हूँ एंड आई ऑलवेज शूट इन बर्स्ट मोड। ये मुझे 7 फ्रेम्स पर सेकेंड देता है इन ए सिंगल शटर प्रेस। तो फ्रेंड्स, स्मॉल बर्ड फोटोग्राफी करने के लिए ये था 5 कैमरा सेटिंग्स जिसको चेंज करके आप बड़ी आसानी से स्मॉल बर्ड्स का ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हो। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। इफ सो देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। इफ यू विश यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram ऑल्सो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
बाय बाय एंड टेक केयर।